K3Cr C2O4 का होल थ्राइस हम देखते हैं इसका। उससे पहले निकाल लेते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसकी मानते हैं एक्स। के है, के की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +1। के यानी पोटेशियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसकी मान लेंगे एक्स प्लस C2O4। देखिए ऑक्जेलिक एसिड देखा हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है C OH C OH। अब यहाँ से दोनों H प्लस हटा दीजिए तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस यहाँ पर। ये होता है हमारा ऑक्जेलेटो, वो क्या गया C2O4। ठीक है, ऑक्जिलेटो में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दिख रही है -2, तो यहाँ पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर -2। कितने ऑक्जिलेटो हैं 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरे के ऊपर चार्ज कितना है 0 है, तो कितना हो जाएगा 0। 3 की +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा +3। एक्स का एक्स उतार लेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, -6 = 0। माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। 6 बड़ा है, 6 का साइन का आएगा माइनस का, = 0। -3 उधर जाएगा, काय हो जाएगा +3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आई है +3। सिंपल आयन है के हमारा, के ऊपर प्लस आएगा, इस पूरे के ऊपर माइनस। पहले प्लस वाले का नाम लिखते हैं, तो के क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम। सिंपल आयन का नाम सिंपली लिखते हैं पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस दे के कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर है। इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कौन है हमारा ऑक्सीलेटो, कितने हैं 3, तो क्या लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। क्रोमियम है हमारा, इस पूरे के ऊपर प्लस, इस पूरे के ऊपर माइनस, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा क्रोमेट। Fe होता है, Fe का हो जाता है फेरेट। Pt होता है, Pt का हो जाता है प्लेटिनेट। कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का हो जाता है कोबाल्टेट। क्रोमियम है, क्रोमियम का क्या हो जाएगा क्रोमेट। समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर आई है 3, ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 रोमन में। नाम समझ में आया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट 3।